वालेकुम नाजरीन हमारी आज की वीडियो कॉलिसिस एंड कॉर्न के बारे में है मैं हूँ आसिफ महमूद चौधरी हर्बलिस्ट एंड कोच आपका जिस्म जब भी कोशिश करता है कि खुद को जख्म से बचाए तो इसके लिए कभी कभी वो जिस्म की बैरूनी तह पर मुर्दा खुलियों का एक मोटा सा किला या हिफाजती दीवार बना देता है जब भी जिस्म की किसी जगह को बहुत ज्यादा या कसरत से रगड़ा जाता है जैसे जब हम एक तंग या खराब फिटिंग वाला जूता पहनते हैं तो इससे पैर के बाज हिस्सों में रगड़ पैदा होती है जिसकी वजह से एपिडर्मिस आहिस्ता आहिस्ता कॉलिसिस बनाता है ये मकई के दाने की तरह की चीज होती है जिससे एक सख्त कवर वाला कॉलिसिस बनता है हाथों और पैरों पर ये कॉलिसिस बेदर्द और हिफाजती हो सकते हैं लेकिन अगर यही कॉलेस या मकई की तरह का दाना जल्द के नीचे किसी हड्डी या आसाब पर बन जाए और इस जगह को दबाए तो ये बहुत ही तकलीफ देह साबित होता है अगर कॉलिस दर्द या जलन का मौजिब बन रहा है तो आपको इन मुर्दा खुलियों में से कुछ को खुरचना होगा ताकि कॉलिस आपके असाब पर इतना दबाव ना डालें इसके हल के लिए आप ये करें कि गर्म शावर लेने के बाद आपकी जल्द फ़ौर नरम हो जाती है तो फ़ौर ही मुर्दा खुलियों को दूर करने के लिए कॉलिस की जगह पर किसी पत्थर या किसी भी सख्त चीज से रगड़ें मगर याद रहे कि एक ही बार पूरे कॉलिस को रगड़ने की कोशिश न करें इसके बजाय आप इसको हर रोज थोड़ा थोड़ा रगड़ें नर्म कॉलेस आपकी उंगलियों के दरमियान उस वक्त पैदा होते हैं जब उंगलियाँ एक दूसरे से रगड़ खाने लग जाएँ और हड्डियाँ आपस में टकराने लग जाएँ क्योंकि उंगलियों के दरमियान की जल्द आमतौर पर नर्म होती है इसलिए इनको ज्यादा हिफाजत की ज़रूरत होती है इसलिए इस जगह को किसी पत्थर से ठीक करने की कोशिश न करें बल्कि बाजार से फाइल खुरचने वाला लेकर इस्तेमाल करें और एक वक्त में थोड़ी थोड़ी जगह को हटाएं इससे आपकी उंगलियों के दरमियान दबाव कम होगा और तकलीफ में भी कमी वाकई होगी इसके अलावा आप कॉलेस मकई को ज़्यादा देर पानी में भिगो कर भी नरम कर सकते हैं इसके अलावा इसको नरम करने के लिए आप अपनी उंगलियों पर जैतून का तेल लगा कर भी इसे नरम कर सकते हैं इसके अलावा आप कॉर्न पेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं हर फार्मेसी में एक शेल्फ बनी होती है जो कॉलेसिस और मकई को नर्म करने और इसकी देखभाल के लिए होती है फौरन इलाज के लिए फार्मेसी का ये हिस्सा आपके लिए एक अच्छी जगह साबित हो सकती है कॉर्न पैड के साथ आप कस्टर आयल के चंद कतरे भी लगा सकते हैं कॉर्न पैड इस मुतासर जगह को घेर लेता है और दबाव से भी बचाता है जबकि इसमें मॉइस्चराइजिंग कस्टर आयल भी होता है इसके अलावा आप मुतासर हिस्से को नमक वाले पानी में भी भिगो सकते हैं इसके साथ साथ मेडिकल स्टोर से ऐसी दवाई तलाश करें जिसमें सेलीसेलिक एसिड हो और इस बात का खास ख्याल रखें कि आप दवाई सिर्फ मुतासर हिस्से पर ही लगा रहे हैं न कि साथ वाली जल्द पर और बेहतर यह है कि दवाई लगाने से पहले साथ वाली जगह को वैसलिन या टेप लगाकर सेफ कर लें इसके अलावा आप जल्द के कॉलिसिस को नर्म करने के लिए स्प्रीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं पाँच अदद स्प्रीन गोलियों को पीस कर लेमन के एक चम्मच में मिक्स करके पेस्ट बनाकर मुतासर जगह पर लगाएं। इसके अलावा अगर आपके पांव की उंगलियों के दरमियान कॉलिस मकई है तो अपनी उंगलियों के दरमियान फोम या काटन का टुकड़ा रख दें ताकि उंगलियाँ एक दूसरे से रगड़ न खा सकें और ऐसे जूते पहनें जो ज्यादा टाइट फिटिंग के ना हों इसके अलावा आप यूरिया से बने लोशन जैसे एक्वाड्रेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं हफ्ते में कम से कम एक बार अपने पाओ को नीम गर्म पानी में भिगो इन पर मॉइस्चराइजिंग लोशन जरूर लगाएं और खातान खास तौर पर ऊंची एड़ी वाले जूतों का कम से कम इस्तेमाल करें बंद जूते पहनने से पहले जुराबें जरूर पहनें और अपने हाथों की उंगलियों को पॉलिसिस से बचाने के लिए कोई भी सख्त काम करने से पहले मोटे दस्ताने जरूर पहने नाजरीन इन सब एहतियाती तदाबीर के बावजूद भी अगर आपको आराम ना आए तो अपने डॉक्टर से रुजू करें या हॉस्पिटल जाए नाजरीन सेहत और इसके मसाइल से मुतलिक इस तरह की मजद वीडियोज़ देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें शुक्रिया